नव सेकंड में क्या कर रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, मतलब ये कि जो मंडे वर्ड है इसके जितने भी लेटर्स हैं ये सभी एक साथ यूज होंगे, मतलब ये कि जो वर्ड हम बनाएंगे वो कितने लेटर्स का होना चाहिए, वो 6 लेटर्स का होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो N है इसकी वैल्यू भी 6 होगी और R की जो वैल्यू है वो भी 6 होगी। N की वैल्यू 6 इसलिए हुई है क्योंकि जो वर्ड हमें गिवन है मंडे, इसमें टोटल लेटर्स हैं 6, इसीलिए N की वैल्यू 6 हुई है। और R की वैल्यू 6 इसलिए हुई है क्योंकि जो वर्ड हम बनाएंगे इन लेटर्स का यूज करके वो भी कितने लेटर्स का होना चाहिए, वो वर्ड भी 6 लेटर्स का ही होना चाहिए, इसीलिए R इक्वल टू भी 6 होगा। नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6P6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का होल फैक्टोरियल, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 6 जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। ओके, जो 0 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे, जब 6 फैक्टोरियल को हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 720। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। टोटल हमें 720 वर्ड्स मिलेंगे 6 लेटर्स के, जो हम बनाएंगे बाय यूजिंग मंडे में जितने भी लेटर्स हैं इनका यूज करके। नाउ थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ थर्ड पार्ट में क्या कंडीशन दी गई है कि जो वर्ड हम बनाएंगे वो भी कितने लेटर्स का होना चाहिए, वो भी 6 लेटर्स का होना चाहिए, क्योंकि जो वर्ड मंडे गिवेन है इसमें टोटल 6 लेटर्स हैं और इन 6 लेटर्स का यूज हमें एक साथ करना है, इसीलिए जो वर्ड हम बनाएंगे वो भी कितने लेटर्स का होगा, वो भी 6 लेटर्स का होगा। और साथ ही साथ ये कंडीशन दी गई है कि जो फर्स्ट लेटर होगा उन वर्ड्स का जो हम बनाएंगे वो क्या होगा, कोई वोवेल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मंडे वर्ड गिवेन है उसमें टोटल कितने वोवेल्स हैं हमारे पास, उसमें टोटल वोवेल्स हमारे पास 2 वोवेल्स हैं, ओ और ए। सो जो वर्ड्स हम बनाएंगे उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा उसमें सिर्फ 2 ही लेटर्स आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फर्स्ट लेटर्स में क्या आना चाहिए, कोई भी लेटर वोवेल वाला लेटर ही आना चाहिए, तो वोवेल्स हमारे पास 2 हैं, इसीलिए जो फर्स्ट लेटर हम बनाएंगे, जो वर्ड हम बनाएंगे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कोई वोवेल होना चाहिए। तो जो फर्स्ट लेटर है वो ओ हो सकता है या फिर ए हो सकता है, क्योंकि जो गिवन वर्ड है इसमें सिर्फ यही 2 लेटर्स जो हैं वो वोवेल हैं, इसीलिए फर्स्ट के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाउ बाकी जो पोजीशंस हैं लेटर्स की, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इन किसी भी पोजीशन पे कोई भी लेटर्स आ सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं गिवन है। सो जब हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, टोटल 6 लेटर्स थे ठीक है, और 6 लेटर में से फर्स्ट जो लेटर है फर्स्ट पोजीशन पे यूज़ करने के लिए वो कोई वोवेल होगा, तो इन दोनों में से ही कोई एक वोवेल यूज हो जाएगा। तो टोटल बाकी पोजीशन पे यूज करने के लिए हमारे पास कितने लेटर्स बचे, ऑब्वियसली 5 लेटर्स बचे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे कोई एक लेटर तो यूज हो जाएगा, कोई एक वोवेल यूज हो जाएगा, तो बाकी पोजीशन जो बची हैं लेटर्स की यूज करने के लिए वहाँ पर टोटल हमारे पास 5 लेटर्स ही बचेंगे यूज़ करने के लिए, इसलिए N की वैल्यू 5 हो जाएगी और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, सॉरी R की जो वैल्यू है वो भी 5 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अभी भी 5 पोजीशंस बची हैं लेटर्स को लिखने के लिए, तो N की जो वैल्यू है वो भी 5 हो जाएगी और R की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। नाउ जब परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5P5, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन
फाइव माइनस फाइव का होल फैक्टोरियल, तो जैसा कि हमने जानते हैं कि फाइव फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है वन होती है। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन हो गई, और फाइव फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 120। नाउ जो फर्स्ट लेटर था वहाँ पर सिर्फ वॉवेल्स ही यूज हो सकते हैं, और टोटल वॉवेल्स हमें कितने गिवन है टू। सो फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ दो ही लेटर यूज हो सकते हैं जो वॉवेल्स होंगे, तो यहाँ पर जो टू है इसका भी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 240। सो थर्ड पार्ट का ये सॉल्यूशन हो जाएगा, जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 240 टोटल्स वर्ड बनेंगे जो कि जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवेल से स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लॉन्ग है लेकिन हमारी इंटेंशन बस आपको अच्छे से समझाना है ताकि आप इस क्वेश्चन को और इसके साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं और ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। एंड साथ ही साथ आप सुनीता देवी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।